केम छो मजा में मैं हूँ जला ब्रिदेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले MG S3 स्मार्ट वेरिएंट की। ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है फिलर, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है एक शोरूम वो 13.5 लाख ऑन रोड है अहमदाबाद में। और इस प्राइस पॉइंट में इस फीचर के साथ ही साथ कोई सी भी गाड़ी है ना मार्केट में नहीं आ रही, क्योंकि क्रेटा और सेल्टोस के जो वेरिएंट है वो कहीं ऊपर इसके चले जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपको फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। एज लुक वाइज देखें तो MG S3 ऐसी गाड़ी है जो मुझे इस प्राइस पॉइंट पर देखे क्रेटा है, सोनेट है एंड कई सारे एक दो जो सेगमेंट उस पर कम्पीट करती है S3। बट इसमें ना आपको बॉडी रोल बिल्कुल नहीं आता। आप इसके जो एरोडायनेमिक देखिए एकदम आपको शार्प दिखेंगे। आपको इसे हाईवे पे भी लेके जाते हो कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है। इसके जो इंफोटेनमेंट क्लस्टर आता है, इसकी डिस्प्ले आती है एंड ऑल दो इसके जो बूट्स देखे एंड इसके पावर स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। एंड बात करें इसके पावर स्पेक्स की तो आपको 108 BHP ऑफ पावर एंड 144 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में यहाँ पे एकदम एग्रेसिव DRL दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर लाइट, नीचे आपको फॉग लैंप एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 180 mm के इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ग्रिल की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर ग्रिल दी जाती है। जो MG ZS AV आती थी ना पहले, उसमें भी आपको सेम है यही ग्रिल दी जाती थी पहले, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके बॉडी कलर दिया गया। लेकिन S3 में आपको सेम एज पहले जो ग्रिल आती थी वही थी आपको ग्रिल यहाँ पे दिखने को मिल रही है। एंड S3 पे काफ़ी अच्छे फिलहाल तो ऑफर भी चल रहे, तो आपको अगर S3 चाहिए तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको S3 मिल जाएगी। अपने नज़दीकी शोरूम पर आप जाओगे तो MG शोरूम पे काफ़ी अच्छा फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। कोई भी आपको एक अच्छी खासी कार चाहिए थी MG की, आप कोई भी कार देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉग लैंप जैसे कि मैंने बात की एंड टायर्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। उस तरफ से हम थोड़ा सा इसका व्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। ऑल दो साइड्स की अगर हम बात करें तो इसके जो सारे डायमेंशन हैं वो आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे। एंड अब बात करें इसके टायर स्पेक्स की तो यहाँ पे आपको आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, तो ऑल दो इसकी जो ब्रेकिंग वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है। इस प्राइस पॉइंट में किसी के कार के अंदर आपको टॉप मॉडल के अलावा 4 डिस्क ब्रेक नहीं आते, लेकिन आपको S3 में सारे वेरियंट में 4 डिस्क ब्रेक दी जाती है। एंड इसके टायर साइज की अगर हम बात करें तो आपको 215x50x R17 इंच का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुडियर का आपको टायर दिया जाता है MG S3 में। एंड यहाँ पे साइड की अगर हम बताइए तो 1 PMP ही आपको टर्निंग हीटर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको रूफेल्स एंड डोर गार्निश ग्रिल एंड इसके जो डोर हैंडल्स है उसका आपको क्रोम फिनिशिंग दी जाती है। लेकिन काफ़ी इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक रखी गई कि यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको क्रोम की फिनिशिंग दी जाती है, नीचे यहाँ पे आपको डोर के जो कलर है वैसे आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर एंड रियर की अगर हम बात करें तो 45 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एंड रियर से देखें तो कुछ इससे से इसका रियर का लुक निकल के आ रहा है। एंड ऑल्दो इसके बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इस MG में का काफ़ी अच्छा टच होता है कि आप इसके जो लोगो है उसे प्लेस करके तो ऑटोमेटिक आपका जो बूट है ओपन हो जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे 488 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको दोनों तरफ आपको अपना कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बूट लाइट एंड ऑल्दो इसके नीचे अगर हम बात करें तो आपको 1 इंच छोटा दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको MG की ऊपर मैट दिए जाते हैं। अगर आप इसे कंपनी फिटेड मैट डलवाते तो आपको इस तरह से कुछ 3D मैट दिए जाते हैं MG की तरफ से। बट पीछे कोई आपको कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया जाता। एंड इस स्मार्ट वेरिएंट में आपको यहाँ पर रियर वाइपर, डिफोगर एंड हाई लाइट स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे MG के नीचे S3 की बेजिंग एंड यहाँ पे आपको
एस तर से नीचे यहाँ पे जेड एस की बेजिंग दी जाती है। इन कुछ इससे आपको इसके रियर टेल लाइट देखने को मिलेगी। ऐसे अब चालू करें तो आपको फ्रंट में देखा था यहाँ पे डियर की तरह ही डिज़ाइन दी गई है। बात करते हैं इसके इंटीरियर की तो फ्रंट में देखें तो कुछ इसे से इसका जो डोर है दिखने वाला है। यहाँ पे आपको पेज कलर का पूरा इंटीरियर में थीम दिखने वाला है। यहाँ पे देखें इसके जो इंटीरियर ब्लैक एंड पेज कलर में दिया गया है, पूरा जो इंटीरियर कुछ इसे से आपको दिखने वाला है। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स एंड यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक एंड आप इजीली यहाँ पे 1 लीटर की बोतल वो आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। जो ड्राइवर साइड की जो सीट आती है आपको हाइट एंड रिक्लाइन दोनों वे में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बैठते हैं इसके अंदर तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोनेट ओपन करने का बटन एंड यहाँ पे आपको जो ORVM से आपको वो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक वे में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग एंड ये स्टेयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो आपको ये जो स्टेयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट नहीं होता। एंड ऑल दो यहाँ पे आपको सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको सारे राइट से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर यहाँ पे नॉब दिया गया है। एंड इसके स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो प्रॉपर इसके सराउंडिंग लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील किए गए, इसके जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई है। एंड यहाँ पे आपको सारे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जो 10 इंच की बहुत ही बड़ी स्क्रीन दी गई है उसे आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे आपको TPM से ऐसे सारी चीज़ें आपको यहां पे इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में देखने को मिलेगी। ऑल दो यहां पे आपको फ्यूल से रिलेटेड एंड ट्रिप मीटर माइलेज ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको 10 इंच की बहुत ही बड़ी स्क्रीन जिसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चला सकते हैं। एंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो MG के इनबिल्ट मैप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट, एक USB टाइप ए पोर्ट जो से आप ये जो स्क्रीन है आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से यूनिक प्लेस किए जाते हैं। जो ZS EV में भी AC आपको प्लेसिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक जो है होम बटन का यहाँ पे शॉर्टकट दिया जाता है स्क्रीन का, बाकी ये सारे जितने भी बटन से वो आपको ऑटोमेटिक AC से रिलेटेड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे आपको कई गाड़ियों में होता है कि आप स्मार्ट की तो देते हैं लेकिन उसे रखने की जगह कहीं पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एस्टर में प्रॉपर यहाँ पे की रखने के लिए जगह दी जाती है। बट हाँ कि यहाँ पे आपको कोई फ्रंट में कप होल्डर्स नहीं दिए जाते, एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली बात है कि आपको फ्रंट में आपको कोई कप होल्डर नहीं दिए जाते। इसके ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका ग्लोव बॉक्स दिखने वाला है। एंड ये ग्लोव बॉक्स से कोई कोल्ड नहीं आता। एंड पूरे इंटीरियर में देखें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिए जाते हैं। बीच में आपको AI पूरी दी जाती है जिससे आप इसे बोलकर भी कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने अभी फिर से करता हूँ, ठीक जैसे ही आप इसे ये वाला बटन पर क्लिक करोगे आपकी जो AI है आप जो भी बोलोगे जो भी कमांड दोगे वो सारे जो कमांड है आपके कंप्लीट कर देगी। इन स्मार्ट वेरियंट में आपको मैन्युअली ORVM देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसके ORVM की साइज है ना थोड़ी सी छोटी, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो इसका व्यू है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ सकता था। एंड यहाँ पे आपको जो डैश कैम लगाने के लिए USB टाइप ए पोर्ट दिए जाते हैं जिससे आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे डलवा सकते हैं और बाहर से आपको कोई वायरिंग ना करवाने पड़े। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हर गाड़ी में होने चाहिए और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको एसर में दिया जाता है। इसके इंटीरियर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिए जाते, ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्लैक कलर में यहाँ पे स्टिचिंग की जाती है एंड यहाँ तक पूरे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिए जाते हैं। एंड यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर भी आपको पेज कलर में पूरी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नीचे पकड़ने के लिए भी एक सॉफ्ट टच दिए जाते हैं। यानी ये जो पेज कलर है यहाँ तक गियर नॉब तक वो आके पूरा सराउंडिंग है अपने आप ऊपर भी चला जाता है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग देखने को मिलेगी। और ऑल दो इसके इंटीरियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच लगते हैं आपको, जैसे एस्टर के अंदर बैठोगे देखते नहीं भाई एक मतलब आप बहुत ही प्रीमियम कार में बैठ रहे हो और इसकी जो टच एंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इसके AC वेंट के आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है, आप इसे देख कर आपको एक अप मार्केट वाली फील इसमें निकल के आती है।
एंड चलिए अब बात करते हैं इसके रियल स्पेस की, कितना आपको रियल में स्पेस मिलता है। डोर की अगर हम बात करें कुछ चीज़ें से आपको इसका रियर डोर दिखने वाला है। यहाँ पे एक लीटर की बोतल है, आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको तीनों के तीनों पैसेंजर के लिए प्रॉपर एड्रेस दिए जाते हैं एंड बीच में आपको आर्मरेस्ट विद टू कप होल्डर्स, तो एक काफ़ी अच्छी एक प्रैक्टिकलिटी, एक आपको रियर स्पेस में तीनों के तीनों जो पैसेंजर के हैं वहाँ पर आपको एडजस्टेबल एड्रेस दिए जाते हैं। चलिए बैठते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखे तो कुछ इसी से कोई आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा एंड टाइप सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे ऊपर में हेडरूम की अगर हम बात करूँ काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे हेडरूम भी मिल रहे हैं एंड पीछे तीन लोगों को बैठने की बात है, तो बैठने के लिए तो भाई तीनों के तीनों जो पैसेंजर वो बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बम्प है उसकी वजह से जो थर्ड पैसेंजर बैठने वाला है उसे दिक्कत आ सकती है, वरना तो स्पेस वाइज देखे तो कोई यहाँ पे आपको इशू नहीं है। एंड यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट एंड टू यूएसबी टाइप ए पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको कहीं पर भी लाइट नहीं दिया जाती है, फ्रंट में देखे तो आपको यहीं कहीं पर भी आपको सनग्लास होल्डर भी नहीं दिया जाते। एक थोड़ी सी डिसअपॉइंट वाली बात है कि आपको कहीं पर भी सनग्लास होल्डर नहीं दिए जाता। तो भाई अब बात है इसके प्रॉन एंड कॉन्स की कि एम जी एसर के आपकी पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो इसके जो पॉजिटिव है वो एक है कि इसके जो इंटीरियर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सेकेंड, इसके अंदर जो टेक यूज़ किया गया ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक है। इसमें आपको 10 इंच की इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलेगी, इसमें आपको AI इनसाइड मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो आपको इस तरह में देखने को मिली। लेकिन इसके नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसके जो नेगेटिव वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। जो पहला नेगेटिव इसका इसकी जो माइलेज वो आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड होगी, लेकिन इसका कंपनी भी क्लेम कम ही इसकी माइलेज करती, तो ऑल दो आप इसे अच्छी खासी चलाने वाले तो आप एस्टर को मतलब आप खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से चलना, वो एस्टर है वो सिटी में आपको अराउंड 12-13 ही देगी और हाईवे पर आपको 15 तक ही देगी, उससे आप ज़्यादा मतलब फिलहाल तो नहीं सोच सकते, वो आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करेगा कि आप इसे 80 पर चलाएं और मतलब ऐसे चलाएं कि आप माइलेज ही निकल रहे तो उस वे में आपको माइलेज देगी, वरना तो ऐसा रहे आपको एक माइलेज मशीन नहीं है। एंड इसके दूसरे नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसके जो कॉम्पिटिशन में कार्स आ रही है उसमें आपको 250 Nm का टॉर्क और ऐसी आपको पास पैक्स देखने मिले जैसे सेल्टोस में और क्रेटा में, बट इसमें आपको इसके जो प्रावर्स पैक्स है वो थोड़े से कम है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के कि आपको MG एस्टर स्मार्ट वेरिएंट लेने चाहिए नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप एक इंटीरियर के अंदर आप देख रहे हो कि नहीं भाई मुझे गाड़ी में अच्छा खासा इंटीरियर चाहिए तो डेफिनेटली आप MG एस्टर पे जा सकते हैं एंड ये आपको निराश नहीं करेगी कि इंटीरियर वाइज इसके जो सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए वो आपको काफ़ी अच्छे फील देने वाले। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।